गाइज 2023 आधा निकल चुका है, तो क्या इस टाइम 23,000 रुपए में Realme GT Neo 3T खरीदना सही रहेगा? 20,000 में ये फोन ऑलरेडी बिक चुका था, मैंने खुद 20,000 में खरीदा ना, 23,000 रुपए वर्थ है इसका? कोई इश्यू तो नहीं है नेटवर्क का, हीटिंग या फिर बैटरी ड्रेन? गाइस सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले तो इसका रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, 6GB रैम आपको कम पड़ सकता है, बट अगेन ये डिपेंड करेगा आप फोन को कैसे यूज करते हो, मल्टीटास्किंग में कितना एप्स आप एक साथ यूज करते हो। एंड अगर आप 8GB 128GB वेरियंट खरीदते हो तो आपको उसके लिए 25,000 रुपए पे करना पड़ेगा। इस प्राइस में आपको iQOO Neo 6 मिल सकता है एंड कुछ अपकमिंग फोन्स भी इस प्राइस में आ सकता है। अगर आपको 128GB स्टोरेज कम पड़ सकता है ना, तो याद रखना इस फोन में आप माइक्रो एसडी कार्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्लॉट ही नहीं है। अगर आप 8GB 256GB वाला Realme GT Neo 3D खरीदने का सोच रहे हो ना, तो उसके लिए आपको 26,999 रुपए पे करना पड़ेगा। इतने में iQOO Neo 7 मिल सकता है एंड थोड़ा इधर उधर करके Moto Edge 40 भी मिल जाएगा। बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि क्या 23,000 में GT Neo 3D खरीदना आज के डेट में वर्थ है या नहीं। माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है GT Neo 3D में, साथ में आपको हेडफोन जैक भी नहीं मिलेगा। कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन पे अगर नजर डाले ना, लाइक Realme 11 Pro, तो आपको GT Neo 3D का डिजाइन भी थोड़ा आउटडेटेड सा लगेगा। ना तो लेदर टेक्सचर वाला डिजाइन, ना ही कर्व डिस्प्ले आपको मिल रहा है GT Neo 3D में। इस डिजाइन के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी आपको आउटडेटेड सा लगेगा जैसे ये फोन को फर्स्ट टाइम ऑन करोगे एंड्रॉइड 12 बेस्ड Realme UI 3.0 देखकर। वैसे सेटअप कंप्लीट करने के साथ ही आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल जाएगा और नेक्स्ट ईयर एंड्रॉइड 14 का, बट उसके बाद नो मोर मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट। Realme GT Neo 3D में आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा एंड 5000mAh बैटरी वाले कुछ दूसरे स्मार्टफोन के साथ मैंने इसको कंपेयर करके देखा, पोको A5 से 1 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम GT Neo 3D ने कम दिया। 3 घंटा BGMI पोको A5 में 50% बैटरी ड्रॉप हुआ था एंड GT Neo 3D में 63% वाईफाई के साथ। अगर मैं 5G नेटवर्क यूज करता ना, तो GT Neo 3D में पोको A5 से बैटरी ज्यादा ड्रेन होता। गाइस GT Neo 3D में कुछ 7-8 5G बैंड्स आपको मिल जाएगा, वैसे आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना वेबसाइट इसका। नेटवर्क को लेकर बहुत सारा कंप्लेन है इस डिवाइस में एंड मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। गेम स्टार्ट करते वक्त कनेक्शन फेल्ड हो जाता था और इसको फिक्स करने के लिए मुझे एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करना पड़ता था, बट BGMI अनबैन होने के बाद जब से एक नया अपडेट आया उसके बाद ये इशू मुझे नहीं दिखा। स्पीड की अगर बात करूं तो कुछ लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन से इसका स्पीड थोड़ा कम है। ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने फुल डे Jio 5G सिम के साथ GT Neo 3D यूज करके देखा है, मुझे अभी कोई नेटवर्क का इशू नहीं दिख रहा है। नाउ हीटिंग के बारे में बता दूं, गेमिंग के टाइम पे फोन थोड़ा ज्यादा हीट होता है, थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। 2 घंटे लगातार मैंने पोको A5 में गेमिंग किया एंड पोको का टेम्परेचर 34 से 43 डिग्री के आसपास पहुंचा एंड GT Neo 3D का टेम्परेचर 34 से 45 डिग्री, यानी 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा GT Neo 3D में। इतनी गर्मी में ऐसे वेदर में इतना टेम्परेचर चलेगा? फोन गर्म होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आप इसे ओवर हीटिंग नहीं बोल सकते। कंपैरेटिवली पोको A5 थोड़ा कम गर्म होता है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा गेमिंग कर लो या फिर 1-2 बार एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट रन कर लो, इसका ब्राइट ड्रॉप हो जाता है। एंटीटू स्कोर हो या फिर परफॉर्मेंस हो, पोको A5 यानी स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 स्नैपड्रैगन 870 से आपको बेटर लगेगा, लेकिन 1.5-2 घंटे गेमिंग के बाद पोको A5 में थोड़ा ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स एंड लैग्स देखने को मिला मुझे GT Neo 3D से। यानी परफॉर्मेंस पे थोड़ा कम है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको देता है वो ज्यादा स्टेबल देता है GT Neo 3D। मेरे लिए तो यही बढ़िया कि 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए लेकिन परफॉर्मेंस स्टेबल मिले। गाइस अगर मैं GT Neo 3D को पोको A5 से कंपेयर करूं तो ऐप ओपनिंग स्पीड में, स्पेशली गेम्स वगैरह लोड करने में आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा पोको A5 से, वीडियो रेंडरिंग जैसे टास्क में भी थोड़ा सा स्लो लगेगा, बट इस प्राइस में इसका जो परफॉर्मेंस है डे टू डे टास्क हो या फिर गेमिंग हो, बिल्कुल भी आपको परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंट नहीं करेगा ये स्मार्टफोन। गेमिंग के लिए, डे टू डे यूज के लिए GT Neo 3D एक अच्छा स्मार्टफोन है, बस मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज है। GT Neo 3D का बैटरी लाइफ आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, बट इसका चार्जिंग स्पीड उस कमी को पूरा कर सकता है। 80 वाट का सुपर डार्ट चार्जर 30 से 35 मिनट लेता है डिवाइस को फुल चार्ज करने में, बट कुछ लास्ट अपडेट के बाद चार्जिंग थोड़ा सा स्लो हो गया, 40-42 मिनट लग जाता है अब डिवाइस को फुल चार्ज होने में। गाइस गेमिंग के साथ साथ मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए भी आप Realme GT Neo 3D ले सकते हो। फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले आपको मिल रहा है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एंड टच सैम्पलिंग 360Hz। PPI डेंसिटी 397 है, HDR10 सर्टिफाइड है, कर्व डिस्प्ले नहीं है, बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% है अकॉर्डिंग टू Realme एंड 1300 nits पीक ब्राइटनेस। गाइस मैंने आउटडोर में तेज धूप के नीचे पोको A5 एंड GT Neo 3D दोनों स्मार्टफोन को यूज करके देखा, विजिबिलिटी में GT Neo 3D काफी बेटर लगा। शार्प क्रिस्प ब्राइट डिस्प्ले, बेजल्स और चिन पोको A5 का ज्यादा पतला है, लेकिन आपको Realme GT Neo 3D का डिस्प्ले ज्यादा सुपीरियर फील होगा। स्टीरियो स्पीकर भी मुझे GT Neo 3D का पोको A5 से बेटर लगा, थोड़ा ज्यादा लाउड है एंड बेस भी बढ़िया है। थोड़ा ज्यादा बेस के साथ म्यूजिक सुनने में आपको GT Neo 3D में ज्यादा मजा आएगा एंड थोड़ा नॉइजी एरिया में भी GT Neo 3D का परफॉर्मेंस मुझे बेटर लगा। न्यूज रिव्यूज जैसे वीडियोस अगर आप ज्यादा देखते हो ना, तो
नॉइजी एरिया में भी GT Neo 3D आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लाउड फील होगा। LPDDR4X RAM, UFS 3.1 storage, Realme i 4.0 के साथ डे टू डे परफॉर्मेंस मुझे फोन का सही लगा। Realme i 4.0 वैसे अच्छा है डे टू डे यूज के लिए, बस एक साल आपको मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट कब मिलने वाला है। GT Neo 3D में एक और चीज आपको मस्त लगेगा, इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फटाक से डिवाइस अनलॉक हो जाता है टच करने के साथ ही, बहुत रिस्पॉन्सिव एंड एक्यूरेट है। काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, अभी तक कोई दिक्कत मैंने एक बार भी नोटिस नहीं किया। एंड गाइस फोन का हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है। नाउ कैमरा सिस्टम गाइस, 64 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिल जाएगा विद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर आपको एकदम बिल्कुल नेचुरल कलर पसंद है ना, तो GT Neo 3D आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। लो लाइट हो या फिर एकदम ब्राइट सनी डे, कलर्स थोड़ा सा सैचुरेटेड दिखता है। किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आपको कलर्स थोड़ा सा पंची लगेगा एंड स्किन टोन कुछ शॉट्स में सही लगा, लेकिन ज्यादा शॉट्स में थोड़ा रेडिश। ये पिक्चर मैंने शाम को 5:30-6 बजे के आसपास क्लिक किया था एंड स्काई का कलर देख सकते हो एकदम ब्लू कर दिया। एंड इस पिक्चर में विंडो का जो ग्रीन कलर है ये कुछ ज्यादा ही पंची लग रहा है। टी शर्ट का जो येलो कलर है इसको बहुत ही अजीब बना दिया है एंड एक्सपोजर का भी इश्यू दिख रहा है। कैसे ये कुछ पिक्चर्स मैंने शाम को 4:30 बजे के आसपास क्लिक किया है एंड इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं ना, तो पिक्चर एकदम फटाफटा सा आपको दिखेगा, एकदम पिक्सेलेटेड ऐसा लगेगा कि किसी सस्ते वाले फोन से क्लिक किया गया पिक्चर्स है ये। अगर आपको GT Neo 3D से बेटर रिजल्ट चाहिए, अच्छे लाइटिंग कंडीशन में क्लिक करना पड़ेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो फेस पे प्रॉपर लाइट पड़ा है, इमेज काफी शार्प लग रहा है, डिटेल भी बहुत बढ़िया कैप्चर हुआ है। बट अगर आप थोड़े डिस्टेंस से किसी का इमेज क्लिक कर रहे हो ना, फुल साइज टाइप का, तो इमेज उतना शार्प नहीं दिखेगा अच्छे लाइटिंग कंडीशन में भी। अगर लैंडस्केप शॉट की बात करूं तो अगेन बढ़िया लाइटिंग कंडीशन में आप अच्छे डिटेल के साथ इमेज क्लिक कर सकते हो, बट इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं ना, तो इससे ज्यादा शार्प इमेज कैप्चर करने वाला स्मार्टफोन आपको 20-25 हजार रुपए में मिल सकता है आज के डेट में। नाउ सेल्फीज की बात करो तो कुछ शॉट्स में स्किन टोन सही दिखा एंड कुछ शॉट्स में अगेन थोड़ा रेडिश, बट सेल्फीज में इमेज काफी ज्यादा शार्प लगा एंड डिटेल बहुत बढ़िया कैप्चर किया है और एज डिटेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, अच्छे लाइटिंग कंडीशन में आप अच्छे सेल्फीज ले सकते हो। Realme GT Neo 3D से आप 4K या फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड करना है तो आपको 30 एंड 60 FPS दोनों ऑप्शन मिल जाएगा एंड फ्रंट कैमरे से फुल HD 30 FPS पे शूटिंग कर सकते हो। Realme GT Neo 3D 4K 30 FPS अगर आपको GT Neo 3D आज के डेट में 20,000 रुपए में मिल जाता है ना किसी ऑफर में, तो स्टिल मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा डील है। बट 23,000 रुपए में खरीदने से पहले इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना, उसके बाद खरीदना एंड बेटर रहेगा कि कुछ अपकमिंग फोन्स है ना उसका प्राइस पहले देख लो, उसके बाद लेने का डिसाइड करो। बाकी वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना और फ्यूचर में इस तरह के कॉन्टेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।